भारत में आजकल कई वर्षों से स्वच्छता अभियान सरकार की ओर से चलाया जा रहा है। इससे देशवासियों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता आई है। पूरे देश के शहरों, कस्बों, गांवों में सफाई अभियान अपना रंग दिखा रहा है। लोग भी अब इसमें स्वयं अपनी ओर से रुचि लेने लगे हैं। इस अभियान के कारण पूरे देश में नगर पालिकाओं, नगर निगमों, ग्राम पंचायतों आदि में भी सफाई का विशेष कार्य किया जा रहा है। सरकार द्वारा चलाए जा रहे स्वच्छता सर्वे के कारण सभी नगरों, कस्बों, गांवों में सफाई कार्य से जुड़े कर्मचारियों में एक तरह से प्रतियोगिता शुरू हो गई है। इसलिए झाड़ू एवं सफाई के काम आने वाले अन्य उपकरणों की डिमांड भी काफी तेजी से बढ़ गई है। ब्रूम का बिजनेस शुरू करने से पहले के टिप्स। सबसे पहले हमें सोचना होगा कि ये ब्रूम बिजनेस किस तरह से शुरू किया जाए कि अधिक से अधिक मुनाफा हो और बिजनेस के चलने में किसी तरह की आशंका भी ना हो। अब आप जिस एरिया में बिजनेस करना चाहते हैं उस एरिया की उन दुकानों का सर्वे करें जहां झाड़ू बेची जाती हो। ये पता लगाने की कोशिश करें कि इस क्षेत्र में कौन सी झाड़ू अधिक इस्तेमाल होती है। यदि संभव हो सके तो पूरे एक साल का डेटा निकालने का प्रयास करें कि किस महीने में कौन सा झाड़ू अधिक बिकता है और कौन से महीने में कौन सा झाड़ू कम। अधिक और कम बिकने के कारण क्या हो सकते हैं? जब इन सब का डेटा आपको मिल जाए तो आप आसानी से अनुमान लगा सकते हैं कि इस एरिया में किस सीजन में किस झाड़ू का व्यापार करना लाभकारी होगा। इस तरह से आपका कार्यक्षेत्र और कार्य करने का तरीका, आपके कस्टमर की पसंद आदि का पता चल जाएगा तो आपको बिजनेस करने में बहुत आसानी हो जाएगी। सस्ते और अच्छी क्वालिटी वाले माल की खोज ऐसे करें। बेहतर तो यही होगा कि आप अपने कस्टमर की मनपसंद की झाड़ू का बिजनेस मार्केट में उपलब्ध माल से अच्छी क्वालिटी और सस्ती झाड़ू बनाकर करें। आपको झाड़ू बनाने में काम आने वाले कच्चे माल की तलाश करें कि कहां पर अच्छी क्वालिटी का माल सस्ते में मिल जाएगा। माल तलाशने के साथ ही उन कारीगरों का पता लगाएं जो अच्छे से अच्छे झाड़ू बनाने में विशेषज्ञ हों। ये लोग उसी क्षेत्र में आसानी से मिल जाएंगे जहां पर आपको कच्चा माल मिलेगा। झाड़ू बनाने के काम आने वाली घास, सीके आदि तो गांव में मिलेंगी, उसके कारीगर भी आपको गांव में मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको झाड़ू बांधने के लिए पतले तार, प्लास्टिक के तार, रस्सी, प्लास्टिक कैप, पैकिंग का सामान एवं कटर आदि शहर में ही मिल जाएंगे। आप चाहें तो अपने नाम की पैकिंग कराकर मार्केट में माल बेच सकते हैं। इसके लिए शुरू में आप अपने नाम की पैकिंग को प्रिंट ना कराएं क्योंकि ये महंगा पड़ेगा। इसकी जगह पर चिपकाने वाले स्टिकर बनवा लें और उसे झाड़ू के हैंडल और पैकिंग पर चिपका सकते हैं। एक दुकान गोदाम तलाश कर लें। अब आपको बिजनेस शुरू करने के लिए ऐसी जगह एक दुकान गोदाम तलाशें जहां से ट्रांसपोर्ट के साधन आसानी से आ जा सके। ये दुकान गोदाम प्राइम लोकेशन वाली महंगी दुकान ना हो तो कोई बात नहीं। यदि आपके पास मेन मार्केट में दुकान हो तो उससे अच्छी कोई और बात हो ही नहीं सकती। यदि नहीं है तो आप ये दुकान मार्केट के आसपास सस्ते एरिया में ले। दुकान में एक छोटा सा काउंटर बनवा लें जहां आप बैठ सकें और कोई ग्राहक आता है तो उससे डीलिंग कर सकें। इसके अलावा गोदाम को दो भागों में बांट लें। एक भाग में कच्चा माल और कारीगर के काम करने की जगह हो, दूसरे भाग में तैयार किया गया माल रखा जा सके। कॉम्पिटिटर को माल देने के लिए उनके रेट से कम रेट पर ग्राहकों को माल देना शुरू कर दें और ये काम लगातार 6 महीने तक करते रहें। इसमें आपको शुरू शुरू में मुनाफा कम होगा लेकिन आपको पहले बिजनेस चलाने के लिए ये रणनीति बनानी होगी। इसमें सावधानी बरतनी होगी कि मुनाफे को कम करना है, खत्म नहीं करना है। यदि आप कॉम्पिटिटर के रेट से कम पर माल नहीं देना चाहते हैं तो अपने बिजनेस शुरू करने के समय कुछ दिनों या कुछ सप्ताहों के लिए अपने ग्राहक को कोई आकर्षक ऑफर दे सकते हैं। इसके अलावा 3 महीने और 6 महीने तक सामान लेने वाले ग्राहकों को कोई विशेष स्कीम देने का ऐलान करें। इससे आपको ग्राहक भी मिल जाएंगे और लंबे समय तक साथ बने रहेंगे। लाइसेंस कौन कौन से चाहिए? झाड़ू को बिजनेस के लिए आपको कोई बड़ा लाइसेंस नहीं चाहिए बल्कि आपको सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए कुछ कार्रवाई करनी होगी। जैसे अपनी फर्म का आकर्षक नाम चुनें, MSME विभाग में नाम रजिस्टर कराएं, कुटीर और ग्राम उद्योग में फर्म को रजिस्टर कराएं, GST नंबर लें, लोकल अथॉरिटी, ग्राम पंचायत, टाउन एरिया, नगर पालिका, नगर निगम से ट्रेड लाइसेंस लें। लागत का पता करें। आपको अपने बिजनेस की कुल लागत का पता करना चाहिए। इस बिजनेस के लिए आपको एक दुकान, गोदाम, ट्रांसपोर्ट का साधन, कच्चा माल, काम करने वाले कारीगर की सैलरी, आपकी अपनी भागदौड़ का खर्चा, कस्टमर डीलिंग पर होने वाला खर्चा, बिजली बिल और मशीन की कीमत आदि भी जोड़कर देखना होगा। ये बिजनेस छोटे लेवल से लेकर हाई लेवल तक किया जा सकता है। आपको अपना बजट देखना होगा। छोटे लेवल पर बिजनेस आप अपने घर के एक कमरे से शुरू कर सकते हैं। आप कम माल लेकर भी ये बिजनेस शुरू कर सकते हैं, उसमें आप 10,000 रुपए से भी ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा मीडियम लेवल पर बिजनेस शुरू करने में 1 लाख से 3 लाख लगाने होंगे और बड़े स्तर पर काम करने के लिए 5 से 10 लाख रुपए लगाने होंगे। इसके बाद तो कोई सीमा ही नहीं है। मुनाफा कितना होगा? बिजनेस हमेशा मुनाफे के लिए शुरू किया जाता है लेकिन बिजनेस का मूल मंत्र यही है कि शुरू शुरू में ग्राहक को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए
मुनाफा कम से कम लिया जाता है। जैसे जैसे बिजनेस मार्केट पकड़ता जाता है वैसे वैसे मुनाफा बढ़ता जाता है। एक दिन ऐसा भी आता है जब बिजनेस पूरी तरह स्थापित हो जाता है, तब मुनाफा अच्छा मिलने लगता है। इसी तरह कॉम्पिटिशन के जमाने में ब्रूम का बिजनेस करने वालों को शुरू में कम मुनाफा लेकर बिजनेस स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए। इसके बाद जैसे जैसे व्यापार मार्केट में मजबूती पकड़ने लगे वैसे वैसे मुनाफा बढ़ता रहे। वैसे इस बिजनेस के एक्सपर्ट लोगों का मानना है कि इस बिजनेस में मुनाफा 50% तक मिल जाता है। ओके क्रेडिट बिजनेस ओके है।